आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बाजारों की चाल में कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार यानी कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है। लेकिन अपडेट शुरू करने से पहले, अपना बुलेटिन शुरू करने से पहले आप सबको एक जरूरी बात से अवगत कराना चाहूँगा कि महामारी जब भी आती है हम देखते हैं कि लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन में लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं डगमगाती नज़र आती है। स्पेशली कारोबारियों की जिनका खुद का कारोबार है और जिनका फूड है या फिर कुछ ग्रोसरी आइटम सेलिंग का शॉप्स वगैरह हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपनी रोज़मर्रा की डेली इनकम पर रिलाई ज़्यादा करते हैं, वो उस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आ गई है आप सबके लिए माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। इस ऐप से आप घर बैठे बैठे भी लॉकडाउन के दौरान भी पैसा कमा सकते हैं। आपको बस करना इतना सा है कि अपना फ़ोन उठाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपसे आपका नाम, एड्रेस, छोटी मोटी जो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगी जाती हैं वो मांगी जाएंगी। उसको फिलअप करने के बाद आपको अपना स्टोर बनाना है। स्टोर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहले से ही एक कारोबारी हों या फिर आपको कोई कंपनी या फिर किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करने की ज़रूरत है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप एक ठेला भी लगाते हैं, फ्रूट भी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं ठेले पर, तो आप भी इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्ज के। माई बिग ब्लिस आप सबको ये चीज़ें मुफ्त में दे रहा है। आपको बस अपना माई बिग ब्लिस पर स्टोर बनाना है। ये कारोबारियों वाली ऐप है, इस पर आपको अपना स्टोर बनाना है। आप क्या बेचना चाहते हैं वो उसकी इमेजेस चढ़ानी है और वो उसका दाम तय करना है कि कितने में बेचना चाह रहे हैं, और फिर जब आपका स्टोर बन जाएगा आपको ऑर्डर्स आने पूरे भारतवर्ष से शुरू हो जाएंगे। तो आपको बस इतना छोटा सा काम करना है। अगर आप भी घर से पैसा कमाना चाहते हैं लॉकडाउन में तो माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो वेंडर्स के लिए ऐप थी, और जो कस्टमर से, जो एंड यूजर से, जिनको कुछ सामान खरीदना है उनके लिए बिग ब्लिस ऐप है, जो वो लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ भी मंगा सकते हैं। आधे घंटे के अंदर आपको आपके घर में फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। इसी के साथ शुरू कर लेते हैं यहाँ से अब अपना कम्युनिटी बाजार का अपडेट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे कैसे सीड से। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का दिसंबर वायदा 6420 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.1% की करेक्शन है और 6512 का हाई लगा चुका है। कैसे सीड में हम देख रहे हैं 6512 का हाई तो लगाया है, लेकिन जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है कैसर का वो उतना का उतना ही देखने को मिल रहा है जितना पहले था, बल्कि इनफैक्ट उससे थोड़ा और ज़्यादा गहरा गया है। तो यानी कि यहाँ भी, यानी आज भी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी कैसे सीड का वायदा बाजार 6500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है। जनवरी वायदा भी 6500 के ऊपर सस्टेन देखने को नहीं मिल पाया है। तो अब आगे कैसे सीड का वायदा बाजार कैसा रहेगा, खरीदारी करके चलना सही रहेगा या बिकवाली करके, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMC की रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं कैसे सीड का वायदा बाजार आज भी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी 6512 का हाई तो लगा चुका है, लेकिन 6500 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट जो ट्रेडिंग प्राइस था सुबह के मुकाबले, अब उसमें करेक्शन ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह भी कैसर के लिए ऐसी रेंज बाउंड वाला रहने वाला है? देखिए, कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में फर्दर सेलिंग ही विटनेस होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो बन रही है कोविड थर्ड वेव की, ओमिक्रॉन वायरस के फैलने से, उस वजह से प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से प्रेशराइज्ड हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो सबड्यू है। और टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट में भी सेलिंग बनती हुई दिखती है कैस्टर के चार्ट पे। सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी 62-50 के आसपास, वहीं रेजिस्टेंस अपसाइड में 65-80 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो जितनी बार ऊपर जाएगी वहां से अगेन सेलिंग विटनेस करने को मिलेगी। तो सेल ऑन राइज का एक ट्रेड बनता हुआ इस पे दिख रहा है।
तो यानी कि कैसर में ऊपरी स्तर से बिकवाली हावी होते हुए नजर आ सकती है, जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि जो टेक्निकल चार्ट्स हैं कैसर सीड के, वो भी यही बता रहे हैं कि कैसर सीड में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का ओमिक्रॉन, उसके चलते ये बिकवाली देखने को मिल रही है। ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आज हमने 2800 के ऊपर बिनौला खल को ट्रेड करते देखा था, अभी भी देख रहे हैं 2800 के करीब ही है और 2830 का हाई लगा चुका है। 2% से ज्यादा की तेजी अभी भी बिनौला खल में शाम के कार्रवाई सत्र में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, अगर आज बिनौला खल 2800 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह बिनौला खल 2800 के ऊपर ही देखने को मिलता रहेगा? देखिए, कोकुड में मैंने पहले भी जब आपसे बात हुई थी उस समय यही कहा था कि कोकुड में फर्दर बाइंग साइड में ही रहना थोड़ा बेहतर रहेगा। ट्रेंड जो है ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है और कॉटन में जिस तरीके का मूव हमने आता हुआ देखा है, अभी भी कॉटन में फर्दर करेक्शन के बाद हायर साइड देखने को मिल सकती है और वो सपोर्ट कोकुड में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ में सोयाबीन की जो बाइंग थी उस साइड से भी सपोर्ट देखने को मिला ऑयल सीड का, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कोकुड जो है ये फर्दर अपसाइड में मूव करता हुआ दिख रहा है और हायर साइड में 2860 के ऊपर अगर ये कमोडिटी सस्टेन करती है तो जल्दी देखेंगे कि 3000 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जो है ये 2650 के आसपास का अभी होल्ड कर रही है कमोडिटी, तो जब तक ये 2650 के ऊपर सस्टेन करती है चांसेस यही है कि 3000 के लेवल जल्द देखने को मिलेंगे। जी, तो यानी कि बिनौला खल में जल्द ही और तेजी देखने को मिल सकती है। रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो आज हम देख रहे हैं कि धनिया हो, चाहे जीरा हो या फिर हल्दी हो, तीनों ही मसालों में आज हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में एक्सपोर्ट डिमांड ज़्यादा हुई अच्छी देखने को मिल रही है या फिर फंडामेंटल ज़्यादा तेज हुए जिसकी वजह से ये रिकवरी आई है? रविंद्र जी, अगर बात करें यहाँ से अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में आज हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जीरे की बात करें तो जीरा एक बार फिर से 16,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। इनफैक्ट धनिया में भी 8500 के ऊपर के लेवल्स हैं और हल्दी में भी 7300 के बाद 7600 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में अब यहाँ से तेजी शुरू हो चुकी है? देखिए, मसाला पैक की बात करें तो मसाला पैक में हम इस समय तेजी जो देख रहे हैं, जो रिसेंट बारिश देखने को मिली है उस वजह से सोइंग में थोड़ा सा डिले हुआ है और वही चीज जो है ये पुश कर रही है प्राइसेस को। लेकिन डिमांड की बात करें, एक्सपोर्ट डिमांड जो है ये थोड़ी सी सबड्यू है इस टाइम पे, तो वो प्राइसेस को आने वाले दिनों में थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकती है डाउन साइड में। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल्स यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं वो एक मिक्स टू साइडवेज साइड ज्यादा दिख रहे हैं और प्राइसेस जो है स्पाइसेस कॉन्ट्रैक्ट के ये भी एक साइडवेज जोन में ज्यादा दिखेंगे रेदर देन एक सिंगल अप ट्रेंड की साइड। जी, यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे हैं कि आज सुबह के मुकाबले अब शाम में 9700 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है और ग्वार सीड भी 5600 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी और करेक्शन देखने को मिल सकती है ग्वार के अंदर या फिर यहाँ से सपोर्ट रहेगा? देखिए, न्यू अराइवल्स और स्लगिश जो एक्सपोर्ट डिमांड है उस वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है ग्वार गम की ये फर्दर डाउन साइड ही रहेंगे और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस का काफी ज्यादा इंपैक्ट इन पे देखने को मिल रहा है इस समय। आज जरूर क्रूड प्राइसेस 2% के आसपास ऊपर है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है ग्वार सीड और ग्वार गम में वो डाउन साइड का ही बन रहा है। ग्वार सीड की बात करें तो 5200 के आसपास ये कमोडिटी सपोर्ट ले सकती है, वहीं ग्वार गम की बात करें तो इसमें अभी भी लग रहा है कि 9200 तक के लेवल से इसमें देखने को मिल सकते हैं नीचे। जी, तो यानी कि ग्वार से अगर दूरी बना लें तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्वार में अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अभी जो करेक्शन है रविंद्र जी के मुताबिक थोड़ी और ज़्यादा गिराती नज़र आ सकती है। रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर ऑयल सीड की, तो हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में काफ़ी शानदार रिकवरी आते हुए नज़र आ रही है। कहाँ पे पिछले कारोबारी सप्ताह में सोयाबीन 6060 तक नीचे गिर चुका था और अब देख रहे हैं कि एक बार फिर से 6800 के ऊपर का ही लगा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या 7000 के भी लेवल्स जल्द ही देखने को मिलेंगे? देखिए, सोयाबीन जो है इसे सपोर्ट मिला था कि जो चाइना की तरफ हायर एक्सपोर्ट हो रहे थे सोया मील के और सोया ऑयल के, उस वजह से सोयाबीन में हमने देखा कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड आते हुए दिखे हैं।
लेकिन अभी एक यहाँ से करेक्शन जरूर बनती हुई दिख रही है, चार्ट्स पे भी हल्की करेक्शन देखने को मिल सकती है। 6400 के आसपास आके कमोडिटी अगेन बाइंग विटनेस कर सकती है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग एक सेलिंग जरूर इसमें दिखेगी। जी रविंद्र जी, जैसा आपने बताया कि फॉर द टाइम बीइंग इसमें भी सेलिंग जरूर विटनेस हो सकती है, अगर सेलिंग आती है तो क्या निचले स्तर से तब भी एक बार फिर से ऐसी खरीदारी निकलेगी, ऐसी तेजी बनेगी? जी लोअर लेवल बाइंग इसमें करके चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो थोड़े से सपोर्टिव दिख रहे हैं प्राइसेस के लिए। तो यहाँ से अगर 6500 6400 के लेवल हमें देखने को मिलते हैं तो वहां पे बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। जी ये सर विधि जी, बात करें अगर ऑयल की तो सीपीओ और रिफाइंड सोया में आपको क्या लगता है? सीपीओ की बात करें, सीपीओ एक रेंज ट्रेडिंग में इस टाइम स्टक हो रखा है, 1080 के नीचे जब तक की क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती है डेली बेसिस पे, तब तक चांसेस यही है कि कमोडिटी जो है ये कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगी। भाई सोया रिफाइन की बात करें तो रिफाइन सोया में एक बेयरिश मोड बनता हुआ दिख रहा है, और डाउन साइड में 1150 के नीचे अगर ये कमोडिटी ब्रेक करती है तो 1100 तक के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। जी रविंद्र जी, इसे बात करें अगर M6 कॉटन की तो कॉटन में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, क्योंकि हमने कॉटन में एक अच्छी तेजी के बाद एक अच्छी गिरावट भी आते हुए देखी है और अब अराइवल्स भी हैं, लेकिन इसी बीच देखने की बारिश ने भी अब कॉटन की जो क्रॉप है उसको डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में अब आगे कॉटन का जो रुझान है वो कैसे रहने वाला है? कि कॉटन की बात करें तो कॉटन की जो तेजी है ये टोटली डिपेंड करेगी कि कोविड का जो वेरिएंट है वो कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है मार्केट को, क्योंकि अगर कोविड वेरिएंट मार्केट को इंपैक्ट करता है तो डिमांड भी उसी तरीके से इंपैक्ट होगी, तो प्राइसेस में फिर अपसर्ज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोविड वेरिएंट जो है वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है तो चांसेस यही है कि इसमें रैली देखने को मिलेगी फर्दर अपसाइड, क्योंकि हेल्दी करेक्शन हो चुका है और यहाँ से बाइंग अगेन इनिशिएट हो चुकी है। इंटरनेशनल कॉटन की बात करें तो वो भी हायर साइड मूव कर रहा है, ऑलरेडी 1% हायर साइड में वो मूव कर रहा है, और हमारा M6 कॉटन भी उसी फुट स्टेप को फॉलो करते हुए हायर साइड मूव कर रहा है। इसमें शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो 30,000 के आसपास का सपोर्ट था, वहीं से हमने देखा कि M6 कॉटन जो है वो बाउंस किया था और अब 32,000 के आसपास 31-100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में 32,000 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी लेकिन थोड़ा कॉशियसली इसमें ट्रेड करना बेहतर रहेगा। जी रविंद्र जी, बात करें अगर मैंथा ऑयल की तो मैंथा में आपकी तरफ से क्या टारगेट्स रहेंगे? मैंथा में एक बेस बनता हुआ दिख रहा है डाउन साइड, तो यहाँ से अगर बाइंग इनिशिएट करते हैं तो 920 का स्टॉप लॉस रहेगा और हायर साइड में 960-970 के लेवल इसमें जरूर देखने को मिलेगा। जी रविंद्र जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनमें आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और पूरा कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा रहेगा? ठीक है, एक तो मैंथा ही बाय करके चल सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, और दूसरा कोकुड में काफी अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है, कोकुड को भी बाय करके चल सकते हैं। 2850 के ऊपर अगर कमोडिटी ब्रेक करती है तो फर्दर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज डाउन साइड में अगर 2750 और 2740 के आसपास डिप करती है तो वहां भी बाइंग बनती है। 2650 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट करेंगे 3,000 को। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि मैंथा और कुकुड यानी कि बिनोलाखाल ये दो कम्युनिटी ऐसी हैं जिसमें आप खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।